इतना भुलक्कड़ हो चुका हूँ, मतलब कोलगेट लेने के लिए भेजा था लेकिन तेल लेकर आया मैं। सो एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, दिस योर बी बस राइस। सुबह हो चुका है गाइस, सब अभी उठाऊं सो दिनचर्या के जाना मत जाती ना है ना अब आ करना लगा ही उतना यहाँ हमें डिस्टर्ब ना करनी, हम वीडियो बना रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करता है तुम। सो एनीवेज गाइस, आपका हीरो आ चुका है नया व्लॉग दो दिन के बाद। सो आज व्लॉग बनाएंगे, सो इतने दिनों के बाद सो एक्साइटेड। मोटर व्लॉगिंग तो नहीं करेंगे आज, डेडी वाला व्लॉग वाला होगा। सो देखते हैं कैसा होगा। सो कॉलेज भी जाना है, सो अभी बजा है 10। सो निकलते हैं थोड़ी देर बाद में। तमाशा पार ना तो जाइ, ये मेरा दीदी है, बहुत तमाश पार रहा है, सिस्टर है कि हिंदी पार भाई के हिंदी बाट नौटंकी करता है, ये बहुत नौटंकी करता है, देख न ये तुमको फेमस कर देगा। हम यहाँ उभी तो हाइट आई, यहाँ तो हाइट देखा ना। बचपन में मैं इसका इतना इतना आता था लेकिन अब मैं आता हूँ इतना इतना, ये आता है हमारा इधर इधर ना हो ना हो गए ना। एनीवेज गाइस, है ना थोड़ी देर रूम में बैठते हैं ना, खाजा सादा खा के निकलते हैं। आज कॉलेज भी जाना है, मतलब कॉलेज तो जा रहा हूँ दो दिन से कंटिन्यू, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि है ना मतलब काम ही काम था ना। सो पूरा क्लास ही क्लास चल रहा था, सो आज बनाएंगे क्लास चला या जो भी होगा। सो लेट्स गो गाइस, नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दो तीन दिन के बाद में मोटो व्लॉगिंग करेंगे। सो अभी दो तीन दिन के लिए रेस्ट, मतलब तेल डालने के लिए पैसा ही नहीं स्कूटी में, तो मोटो व्लॉगिंग कहाँ से करेगा। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि मतलब मोटो व्लॉगिंग तो कर लेगा मैं, लेकिन स्कूटी भी नीचे रखा हुआ है, मतलब तेल डालने का पैसा ही नहीं है। जब इसका सैलरी आएगा ना तो तब तब करेंगे। देखा तुम पैसा, तुमने हमारा चलाया, इसने हमारा पैसा चलाया। जब इसका सैलरी आएगा तभी हम मोटो व्लॉगिंग करेंगे यार, अभी तो पैसा की तंगी चल रही है। वाह 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 सेन वाह, फिक्स आउट फिक्स आउट। हेलो हेलो ना, ओहो उमल गया, उमली गया। सो हमारा चाय रेडी हो चुका है गाइस। जस्ट कॉलेज से अभी अभी आ गया हूँ रूम पे, मतलब बाजार पे इतने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि मतलब बाजार पे शर्म लगता है ना हमको। सो इसीलिए घर आ गए, घर में आके चाय खाने वाला हूँ, उसके बाद में क्या होगा देखा जाएगा। सो आज का दिन बहुत ही बोरिंग गया मेरा क्योंकि मतलब लगभग मैं यहाँ से मैं 11 बजे शायद निकला था, 11 बजे मतलब 12 बजे से स्टार्ट क्लास है, 12 बजे क्लास खत्म हो गया, 1 बजे स्टार्ट, 2-3 बजे तक क्लास था ना। सो फाइनली पूरा थका हरा हार के आ गया हूँ मैं रूम, रूम में आप चाय खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से ना। आप लोगों ने भी सोचा होगा बाजार का ब्लॉग दिखाया गया है, सोच के रखा होगा, लेकिन मैं सिर्फ रूम का ही बना रहा हूँ आजकल क्योंकि बाहर में वीडियो करना थोड़ा सा शर्म लगता है ना। सो कोई बात नहीं ना, अगले वीडियो में दिखाएंगे बाजार का। खुशी हो ना, देखो ना खुशी होगी, देखो ना। सो गाइस अब हम दुकान जा रहे हैं, दुकान आप लोगों को दिखाएंगे, 10 मील का दुकान, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ उसको 10 मील बोलता है ना, तो 10 मील दिखाएंगे आप लोगों को। मतलब पहले भी दिखा चुका हूँ। ए माति जा दो, ए अर्को कुकुर देखे नि त्यसले, अब बुक छ यिनीहरू बुक चाहिँ एमसीमा नै होइन कहाँ जा रहे अब्सी कहाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? सो दिखाएंगे आप लोगों को 10 मील पर जा, मतलब थोड़ा सा काम है, मतलब सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो खूब इन्जॉय कर रहे हो वीडियो है ना, आज तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना है ना ऐसे तैसे करके। नया जगह मतलब बोरिंग ही हो, मतलब दिखाने में अच्छा मज़ा आता है ना नया लोगों को। सो पैसा नहीं है तो छोड़ दो, हम नहीं खाएंगे, जस्तो उठाए तस्तो काटी दियो, हमें लिए फाले खरीदोगे? हम आए फाले खरीदने के लिए, मतलब यहाँ पर वीडियो करना मुझको लाज लग रहा है, तुमको लाज लग रहा है? तुम तो मुझसे भी ज्यादा शर्माती हो यार। कसरी गोटा दुईटाको जल्दी से निकालो ना हमारा पैसा, हमको पैसा निकालना नहीं आता, इसलिए तो तुमको लगाया था। वही तुमको पैसा निकालना आता है, पहले इसको दबाओ। हाँ मतलब कितना अच्छा दिख रहा है एटीएम के अंदर, देखो तो लाइट भी आ रहा है,
मेरा बाल थोड़ा सा लंबा आ गया, काटने का जरूरत हो गया वैसे। देखे ना आप लोगों को क्या लग रहा है भाई, अभी हम पैसा निकल रहा है मेरा यूट्यूब का मनी, तो वो नहीं बोल सकता, मोनिटाइज ही नहीं हुआ है अभी तक। दूसरों के लिए पैसा निकालने आना पड़ता है, इतना अपना तो नहीं है। आप लोग हमारा फाले आ चुका है गाइस इधर, और हम यहाँ पर पैसा निकल रहा है लेकिन पता नहीं कैसे निकलता है। सो गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या ही बताइए यार, मैं इतना भुलक्कड़ हो चुका हूँ, मतलब कोलगेट लेने के लिए भेजा था लेकिन तेल लेकर आया मैं, खान तेल 1 kg का, और ये भी भूल गई साला। तुमको भी तो बताया था, नहीं बताया था? अभी यार इतना अच्छा तो भुलक कर तो कैसे हो सकता है, मतलब कोलगेट लेने के लिए आया तो तेल ले गया यार, तेल गई। यहाँ पर देखिए 10 मिनट का गुम्बा, मतलब मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा कैसे भूल सकता, मतलब कोलगेट लेने आया था तो भूल सकता था, लेकिन कोलगेट की जगह पर तेल लेकर जा रहा था। मेरा आधे रास्ते पहुँच गया था, फिर से आधे रास्ते से रिटर्न हो के मतलब एक्सचेंज करके ले जा रहा हूँ भाई, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है यार मैं कितना भुलक्कड़ हो गया। सो गाइस अभी रूम जा रहे फाले और कोलगेट ले लिया, मतलब इसने भी भूल लिया, इसको भी अंडा लाना था, मतलब अभी अभी पता चला इसको अंडा। तुम भी तो भूल गए थे, नहीं तुम भूल गए थे, मतलब पहले ही बोला था तुमको, मतलब ये भूल जाएगी ऑलरेडी, इसलिए मम्मी ने कॉल किया, तो अभी भी सॉन्ग हाँ हमारा हिंदी तो सी है, सुनो ना सुनो इधर सुनो ना इधर देखो ना इधर, हमारा हिंदी मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है हमारा हिंदी, तुमको क्या लगता है? मतलब इम्प्रूव तो हो रहा है गाइस, मतलब इम्प्रूव हो रहा है, कुछ नहीं कुछ कुछ भूल रहा हूँ। ओके सो गाइस हम पहुँच चुके हैं हम रूम, सो ये हमारा रूम, जी जिसको नहीं पता आ सकते है गाइस मेरे पास आके थोड़ा बात सात कर लेना। आपको पता है हमने क्या भूला? आप विश्वास करोगे कोलगेट लेने गया था, तेल लेकर आ गया, किसी भूल कर होना में अंडा भी भूल गया था, ये ठीक है हम लोग मिल रहे देखो ओके। प्रेमित दी हम कैसा भूल कर रहे ना कोल ट्रेन गए खानदेल बोगे आए थे क्या कस्टम माथी कर फिर फर्क आए, भुलक्कड़ हो गए यार। सगाई फाइनली कोलगेट लेकर आ चुका हूँ, मैंने खाने तेल कहाँबाट समझेर लिएर आयो गई, हमारे यहाँ पर चाय बन रहा है स्पेशल, दूध नहीं है, हमारे हिंदी कैसा लग रहा है आपको? बेहुदा नहीं, हम इम्प्रूव कर रहा है हिंदी में। और गाइज क्या है कुछ हो जाने के बाद अब खाएंगे हम चा, उयो माथि आएर समझेगा साला, उति के धुन तेल चाहिँ बोकेर आछु भनेको नि। सो गाइस यहाँ पर पूरा रूम खाली हो सका, मतलब यहाँ पर पूरा रूम खाली हो चुका है, मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए एंट्री है गाइस, है ना, एनीवन है ना, रेंट चाहिए तो आ जाओ हम सिका, ये सिर्फ लड़कियों के रूम रेंट है ना, रेंट नया रेंट लड़की के आ सकते हैं यहाँ पर, किसी को रूम चाहिए तो ये खाली है सिर्फ लड़कियां के लिए, लड़के नो लड़कियां, नो लड़के, ओनली लड़की अलाउड, दो रेम है, दो रूम का 2000 आ सकते हो, पानी फ्री, साबुन फ्री, टॉयलेट फ्री, ये पानी फ्री वाला झूठ था, मतलब लड़की आए ना तो मैं ही बोक दूंगा पानी पूरी तरह से, सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम है ये इधर, ये झूले मतलब पानी का तो मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा ना, अगर लड़कियां यहाँ पर आए तो मैं धारा से बोक के ला दूंगा, वो लोग फिटर नहीं है, धारा से बोक के आके दूंगा। गर्ल क्रेजी, अपने घर के लिए पानी नहीं लाता है, दूसरे लड़के के लेने के लिए रेडी हो गए। सो क्या वो मैं हूँ तुमको क्या, मेरी हिंदी से मेरा अच्छा है इधर, चाय चाय पी लेते, इतना सब कुछ होने के बाद चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब तेल कहाँ से, मतलब माइंड में आया यार तेल उठा कर लाने।